वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम पार्ट टू ऑफ चैप्टर फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं पिछले वीडियो में हमने हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ ली थी और ये देखा था कि 1951 में इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुए थे आर सी एच प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम और फिर हमने देखा कि 2013 से आर एम एन सी एच प्लस ए अप्रोच अपनाई जा रही है आर सी एच प्रोग्राम की फिर एमनियोसेंटेसिस कोडियोसेंटेसिस बार बॉडी के बारे में हमने पढ़ा पॉपुलेशन का कुछ डेटा हमने देखा था जिसमें ग्रोथ रेट नेटिलिटी इन्फेंट मोटलिटी रेट मटरनल मोटिलिटी रेट ये सब हमने पढ़े थे कंट्रासेप्शन की फिर बात शुरू हुई और हमने देखा कि ये मेथड होते हैं कंट्रासेप्शन के नेचुरल बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल इंजेक्टेबल्स इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। नेचुरल में कौन कौन से तीन हमने पढ़े पेडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल जिसे कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं और लैक्टेशन एमिनोरिया बैरियर मेथड में हमने कंडोम्स पढ़ा डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स वॉल्ट्स और ये भी देखा कि इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज़ की जाती है किन के साथ डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट के साथ फिर हमने इंट्रा यूटीराइन डिवाइसेस पढ़ी और देखा कि ये तीन टाइप की होती हैं नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग और हॉर्मोन रिलीजिंग ये उनके एग्जाम्पल थे लिपिस लूप कॉपर सेवन मल्टी लोड थ्री सेवनटी फाइव टी कॉपर सेवन मल्टी लोड थ्री सेवनटी फाइव कॉपर रिलीजिंग लिपिज़ लूप है नॉन मेडिकेटेड प्रोजेस्टासर्ट और एल एन जी ट्वेंटी हैं हॉर्मोन रिलीजिंग इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मिसाइडल का काम करती हैं ऑल ये तीनों टाइप की जो हैं तीनों ही ये काम करती हैं कॉपर वाली इन एडिशन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करती हैं और हार्मोनल वाली क्या है? करती हैं इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं और सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करती हैं इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये हार्मोन रिलीजिंग हैं ये लोकली हार्मोन रिलीज करती हैं पूरी बॉडी में इन हार्मोन्स के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये ओवुलेशन को इफेक्ट नहीं करती हैं ओरल कंट्रासेप्टिवस हार्मोन या स्टेरायड जिनमें हों जैसे माला डी माला एन जो 21 दिन तक खाते हैं प्लस सात दिन तक आयरन सप्लीमेंट खाते हैं फिर नॉन स्टेरॉयडल में हमने पढ़ी थी सहेली या छाया और उसमें सॉल्ट कौन सा था और मिलोक्सीफिन जो वंस पर वीक टैबलेट है एक्चुअली इनिशियल थ्री मंथ्स में जब ये टैबलेट शुरू करते हैं तो ट्वाइस पर वीक लेते हैं ये फिर हमने इंजेक्टिबल कंट्रासेप्टिव्स की बात की थी इम्प्लांट्स की बात की थी और लास्ट में हमने सर्जिकल स्टरलाइजेशन की बात की थी जिसमें हमने देखा था मेल में वैसेक्टमी करते हैं और फीमेल में टूबैक्टमी करते हैं यहीं पे दो तीन और टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एक टर्म होता तो है कास्ट्रेशन कास्ट्रेशन को टेक्निकली बोलते हैं ऑर्की एक्टमी और ऑर्कीडेक्टमी ये होती है रिमूवल ऑफ टेस्टिस एक वर्ड है स्पेइंग स्पेंग को टेक्निकली बोलते हैं ओवेरियो हिस्ट्रैक्टमी यानी ओवरी और यूटरस साथ में ओविडक्ट्स इनको रिमूव कर देते हैं हिस्ट्रैक्टमी होती है रिमूवल ऑफ यूटरस एक टर्म है न्यूट्रिंग न्यूट्रिंग कास्ट्रेशन प्लस स्पेइंग दोनों को मिला करके कहते हैं यानी रिमूवल ऑफ़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर दिया जाता है अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिमूव हो जाते हैं तो स्टरलाइजेशन हो जाती है लेकिन ये मेथड स्टरलाइजेशन के या कंट्रासीप्शन के ह्यूमन बींग्स में नहीं यूज़ होते हैं इनको प्रैक्टिस करते हैं एनिमल्स में एज मेथड ऑफ कंट्रासीप्शन अदरवाइज कास्ट्रेशन स्पेइंग जो करनी पड़ती है कभी ह्यूमन बींग्स में तो वो किसी डिजीज़ की वजह से कोई कैंसरस ग्रोथ की वजह से ये करना पड़ता है एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा कि इस चैप्टर का स्पेशली वैसे तो एन के सभी चैप्टर्स की सभी लाइनें इंपॉर्टेंट है, है लेकिन इस चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टैक्सचुअल है कंसेप्चुअल कम है तो कंसेप्चुअल इनपुट तो मैं इन स्लाइड्स के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारा टेक्स्ट भी है इसमें तो हर एक लाइन इस चैप्टर की जो एन का लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है उसमें से एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा तो अब हम बात करते हैं एबॉर्शन एबॉर्शन इज प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का टर्म पूरा होने से पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है जिसे नेचुरल एबॉर्शन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इसे मिस कैरियज बोलते हैं एक होती है इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो मेडिकली असिस्टेड होता है और वॉल्ट्री या इंटेंशनल होता है जो ये इंड्यूस्ड एबोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एम टी पी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिलियन एम टी पीज होती हैं वर्ल्ड में एवरी ईयर और इसमें से करीब सिक्स मिलियन इंडिया में होती हैं एवरी ईयर सम इमोशनल एथिकल रिलीजियस सोशल इश्यूज आर इन्वॉल्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज़ किया एमटीपी को 1971 में थ्रू एक्ट एमटीपी एक्ट 1971 जो अमेंड हुआ 2002 में एन के लेटेस्ट एडिशन में इसकी फर्दर अमेंडमेंट दिखाई हुई है 2017 में जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है 1971 में एम एक्ट बना था एम टी पी करते क्यों हैं टू गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज क्यों हो गई कोई कैजुअल, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव हो गया सेक्चुअल असॉल्ट हो गया और प्रेगनेंसी हो गई तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए या जब प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएशन से कोई हार्मफुल या फेटल इफेक्ट हो सकता हो मदर को या फीटस को या दोनों को स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हैं गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने एमटीपी एक्ट में ताकि फ़ीमेल फीटी साइड को रोका जा सके ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर की जो एम हैं ये सेफ़ होती हैं उसके बाद थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है एम टी पी एक्ट 2017 की अमेंडमेंट की बात करती है एन पेज नंबर 62 के ऊपर ये मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है बट यही मैं आपको बता दूं कि एन में ये जो पैराग्राफ लेफ्ट साइड में कॉलम फॉर्म में दिया है साइड नोट की फॉर्म में ये काफ़ी गलतियां हैं इसके अंदर सबसे पहले तो ऊपर जो लिखा है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का कोई एक्ट अभी पास नहीं हुआ मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में 2017 में लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ बिल जब तक पास नहीं होता वो एक्ट नहीं बन सकता फिर ये कहता क्या है इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन इंटेंशन की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पे रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोटलिटी एंड मॉरबिडिटी यहाँ दो टर्म आ रहे हैं मोटलिटी एंड मॉरबिडिटी मोटलिटी होती है रेट ऑफ डेथ मॉरबिडिटी होती है रेट या परसेंटेज ऑफ डिजीज अगर मॉरबिडिटी बढ़ रही है किसी सोसाइटी में दैट मीनस डिजीज़ बढ़ रही हैं फिर आगे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ओके एग्रीड कि 12 okay, हफ्ते में की जा सकती है ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख देता है कि यस इस प्रेगनेंसी से नुकसान हो सकता है तो अप टू ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और 12 हफ्ते से 24 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए जो अपना ओपिनियन देंगे कि यस ये डेंजरस है द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर क्या क्या हैं ग्राउंड इस एक्ट के अंदर फर्स्ट ग्राउंड है द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वोमेन यानी जो प्रेगनेंट वोमेन है उसकी लाइफ को रिस्क है अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं लाइफ को रिस्क नहीं है तो ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये अगली स्लाइड में मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखाऊंगा क्या होती है सेकंड ये कहता है देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफ़र फ्राम सच फिज़िकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ एज टू बी सीरियसली हैंडी कैप्ड ये भी एग्जैक्ट लैंग्वेज अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा तो इसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगी हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एन सी आर टी के मुताबिक एग्जिस्ट करता है और बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन में इसको डाला हुआ है तो ये हम याद करेंगे क्यों एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पक्का

ग्राउंड क्या क्या है कंटिन्यूएशन ऑफ़ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजरी टू हर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ फिजिकली उसको कोई इंजरी हो सकती है या मेंटली भी उसको कोई फ़र्क पड़ सकता है अगर हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे सेकेंड ग्राउंड क्या है देर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वुड बी सीरियसली हैंडी कैप्ड यानि अगर वो बच्चा पैदा होता है तो सीरियसली हैंडी कैप्ड होगा फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ जैसे डाउन सिंड्रोम तो ऐसी कंडीशंस में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं लेटेस्ट जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पास हो चुका है लोकसभा से मार्च 2020 में लेकिन ये भी अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ है राज्यसभा इसको पास कर देगी फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा प्रेसिडेंट जब इसको अप्रूव करेगा तो ये बन जाएगा एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2020 इस 2020 वाले में जो प्रपोज किया गया है वो ये किया गया है कि 20 वीक्स की प्रेगनेंसी तक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर और 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी तक टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स परमिट कर सकते हैं एमटीपी साथ ही इसमें ऐड किया है कि बियॉन्ड 24 भी किया जाए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लेकिन उसका अप्रूवल कौन देगा फिर हरेक राज्य में एक इस बारे में मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा डॉक्टरों की एक कमेटी गठित होगी जो ये डिसाइड करेगी कि किया जाए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ना किया जाए ये कुछ एडिशनल इनपुट मैं आपको दे रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करते हैं वो कैसे करते हैं या तो सक्शन से करते हैं वैक्यूम से एस्पिरेट कर लेते हैं यूटरस के अंदर जो कुछ भी है सेलाइन सोल्यूशन इन्फ्यूज़ कर देते हैं यूटरस में या सर्जिकली इवैक्यूएट करते हैं सर्जिकल इवैक्यूएशन को बोलते हैं स्क्रैपिंग और साथ में ड्रग्स देते हैं एंटी प्रोजेस्ट्रॉन ड्रग मिफीप्रिस्टोन और देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टोल ये इनके नाम हैं प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है पी जी एफ टू अल्फ़ा मैंने पढ़ाया था आपको कॉर्पस ल्यूटियम को डिजोल्व कर देगा और एक एक्ट जो मुझे लगता है एन को यहाँ बताना चाहिए था अपनी बुक में प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़ एक्ट नाइनटीन जो अमेंड हुआ था 2003 में क्यों क्योंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी से बिना एमनियोसेंटेसिस के भी सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है जैसे अल्ट्रासोनोग्राफ़ी उन सारों को कंट्रोल करने के लिए 1994 में ये एक्ट बना था अब हम बात करते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एस टी आईज एस टी आई वर्ड यूज हुआ है लेटेस्ट एडिशन ऑफ एन में पुराने एडिशन में वर्ड लिखा हुआ है एस टी डी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज तो ये चेंज क्यों किया गया एस टी डी से एस टी आई क्यों बनाया एस टी आई का मतलब है कि उस इंडिविजुअल में सिम्टम हो या ना हो लेकिन वो कैरियर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है उसे बोलते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है वो लेकिन वो भी डिजीज नहीं है पेशेंट नहीं बना डिज़ीज़ होती है जब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन शो होने लग जाता है तो वो डिजीज़ बन जाती है इन्फेक्शनस और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल इंटरकोर्स ठीक है जी इनको बोलते हैं एस और एस इसका ही दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीजेस सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजिज आर कार्ड वेनेरियल डिजीज़ और इन्हीं को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये मेजर थ्रेट हैं हेल्दी सोसाइटी को और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है 15 टू 24 फोर ईयर्स ऑफ एज में इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है ये नाम याद करने हैं आपको ये हैं सारी एस टी आईस गनोरिया सिफ़लिस, जेनाइटल हर्पिस क्लेमायडिएसिस जेनाइटल वार्स ट्राइकोमोनीसिस हेपेटाइटिस बी एड्स जो एच आई वी से होता है हेपेटाइटिस बी और एच वी सिर्फ एस नहीं है ये ट्रांसमिट हो सकती हैं कोई नीडल शेयर कर लिया कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर हो गया पेशेंट के साथ ट्रांसफ़्यूज़न ऑफ ब्लड हो गया या इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को भी और इनमें से हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पिस और एच आई वी इन्फेक्शंस आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल इनकी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी एस टी आईज़ आर माइनर बहुत माइनर से सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट जनरली ध्यान नहीं देता माइनर सी इचिंग कोई फ्लूड डिस्चार्ज थोड़ी बहुत पेन थोड़ी बहुत स्वेलिंग ये सब होता है इनिशियल स्टेजेस में इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं जनरली एसिम्टोमेटिक रहती हैं इनिशियल स्टेज में और काफ़ी दिन तक उनकी इन बीमारी का पता ही नहीं चल पाता एबसेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन और साथ में सोशल स्टिग्मा ये उस इन्फेक्टेड फीमेल को डॉक्टर के पास जाने से डिसकरेज कर देते हैं और इससे टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उसकी वजह से बाद में कॉम्प्लिकेशन होती हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेल्विक इन्फ्लेट्री डिजीज या फिर हो जाते हैं एबोर्शन स्टिल बर्थ प्रेगनेंसी है। पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है परमानेंट इनफर्टिलिटी हो जाती है कैंसर्स हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती क्या है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वेजाइना यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया से यूट्रस तक पहुँच जाता है फिर फेलोपियन ट्यूब तक और ओवरिस तक पहुँच जाता है और उसके एसोसिएटेड जितने टिश्यूज़ हैं लिगामेंट्स हैं पेल्विक रीजन में उन सब में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को इस डिजीज़ को हम बोलते हैं पी आई डी हाउ टू प्रिवेंट एस टी सेक्स विद अन पार्टनर्स मल्टीपल पार्टनर्स यूज कंडोम्स एंड टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये टेबल है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है और याद भी करनी है इनिशियल जो तीनों हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं कौन कौन सी गनोरिया सिफलिस क्लेमाइडिएसिस ये सब वायरसेस से हो रही हैं जेनाइटल हर्पिस जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी और रेड्स और ट्राइकोमोनीसिस एक प्रोटोजोआ से होती है एक पैरासाइट से होती है ये सारे मैंने इनके नाम आपको इनके काज़िटिव एजेंट के नाम आपको दे दिए हैं अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की एन में डेफिनेशन क्या है इनफर्टिलिटी की इनेबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू इयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल कोहैबिटेशन यानी दो साल से नॉर्मल सेक्चुअल एक्ट हो रहा है लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी टू ईयर्स आपने याद रखना है क्योंकि एन में टू ईयर्स लिखा है डब्ल्यू क्या कहता है फेलियर टू अचीव अ क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स और मोर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल इंटरकोर्स यानि बारह महीने की बात कर रहा है एन सी आर टी ने दो साल लिखा है तो हम दो साल ही याद रखेंगे एक टर्म है स्टर्लिटी स्टर्लिटी होती है कंप्लीट इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यानी वो कभी भी किसी भी तरीके से बच्चे पैदा नहीं होंगे इनफर्टिलिटी टेम्परेरी होती है एंड कैन बी करेक्टेड रीजन्स इनफर्टिलिटी के क्या हैं फिजिकल रीज़न्स कंजेनाइटल कंजनाइटल का मतलब है जन्म जाति कोई ऐसी चीज़ है कि वो नहीं हो पा रहे बच्चे पैदा कोई बीमारियाँ होती हैं ड्रग्स होती हैं इम्यूनोलॉजिकल रीजंस होते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के इंडिया में जनरली फीमेल को ब्लेम करते हैं बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल पार्टनर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ये टर्म यूज़ किया है एन ने इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं स्पेशल क्लिनिक्स एक्चुअली इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इन क्लिनिक्स को बोलते हैं फर्टिलिटी क्लिनिक्स वहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स की डिजीज़ की जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है और उनकी हेल्प हो जाती है ऐसे कपल्स की बच्चे पैदा करने में हेल्थ सच कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टन स्पेशल टेक्निक्स यानी कि उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करने से नई उबाद बन पा रही तो स्पेशल टेक्निक्स हैं आजकल उन्हें बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ए आर टी अब इस ए आर टी को हम ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं टेक्निक्स सो ए आर टी असिस्टिड रिपोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इस स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन हर साल नीट में एम्स में आता ही आता है और फर्स्ट रीडिंग में या इस स्लाइड को इस वीडियो को सुनने से आपको सब कुछ बहुत आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान है नहीं जैसे क्वेश्चन आता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है तो इसको मैंने एक बड़े सिस्टमेटिक वे से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप कभी भी इन टर्म्स को ना भूलो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल रिप्रोडक्शन का पता है मेल फीमेल मेल से स्पम आएगा फीमेल से ओवम आएगा स्पम इंसेमिनेट होगा फीमेल में और फिर ओवम की और स्पम की फर्टिलाइजेशन होगी और उसके डेवलपमेंट होगी मोरूला स्टेज बनेगी अर्ली एम्ब्रियो बनेगा जो यूट्रस तक जाएगा यूट्रस में वो इम्प्लान्टशन एंड डेवलपमेंट होगी ये नॉर्मल है फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी फिलोपियन ट्यूब में होगी इम्प्लान्टशन कहाँ होगी यूट्रस में होगी ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं ये सब हम चीज़ें जानते हैं अब हम समझते हैं ए आर टी हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है ए आर टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर इस नॉर्मल प्रोसेस में कहीं कोई हिंड्रेंस हो रही है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना है कैसे विद दी हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से ओवम मान लीजिए ओवुलेशन में ही कोई प्रॉब्लम है या ओवम जो बनते हैं उसमें से ज़्यादातर ठीक नहीं होते आगे डेवलप नहीं होते फर्टिलाइज नहीं होते या जब ओवम रिलीज़ हो रहा है ओवरी से तो फिलोपियन ट्यूब के जो फिम्ब्रिय थे वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं या इनिशियल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में कोई ऐसी ब्लॉकेड है या ल्यूमेन उसका नैरो है कि ओवम आगे नहीं जा पाता तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो अब हमें इस स्टेज पे हेल्प चाहिए यहाँ पे एन ओवुलेशन यानि ओवुलेशन हो ही ना कोई ब्लॉकेड हो जाए कोई हार्मोनल रीजंस भी होते हैं तो इस स्टेज में हेल्प करने के लिए गिफ्ट देना पड़ता है ये याद रखिए जी आई एफ टी गैमीट फेलोपियन ट्रांसफ़र जी का फुल फॉर्म है गैमीट फेलोपियन ट्रांसफ़र जो ये ओवम आएगा ये किसी डोनर फीमेल से आएगा या खुद का ओवम उसकी ओवरी से निकाल करके और वापस फेलोपियन ट्यूब में डाला जा सकता है लेकिन आप डोनर ही याद रखिए क्योंकि एन ने सिर्फ़ डोनर फीमेल की बात की है कि डोनर फीमेल से ओवम ले लीजिए और फेलोपियन ट्यूब में डाल दीजिए क्लियर हो गया गिफ्ट अब मान लीजिए प्रॉब्लम इधर नहीं है प्रॉब्लम इधर है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं ए ज़ू या इसको ए स्पर्मिया बोलते हैं कि स्पम बन ही नहीं रहे और लीगो स्पम बन रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम बन रहे हैं एस्थीनोस्पर्मिया यानी जो स्पम्प्स की मोटिलिटी है वो थोड़ी कम है ट्रैटोस्पर्मिया मेजोरिटी ऑफ दी स्पम्प्स की नॉर्मल शेप नहीं बन रही है कोई ब्लॉकेज है कोई हार्मोनल रीजन है ड्रग्स है अल्कोहलिज्म है क्रिप्टोर्चिड याद कीजिए हमने पढ़ा था कि डिसेंड नहीं हुए टेस्ट्रोटम में और किसी किसी मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि स्पर्म्स वगैरह तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इंसेमिनेशन नहीं हो पा रही है तो इन सारी वजह से ये प्रोसेस हिंडर हो रहा है हमारा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही आगे प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ऐसे में अब क्या है सोल्यूशन कि या तो किसी डोनर मेल से या उसी मेल से स्पर्म लेकर के ठीक ठाक स्पम जो हैं उनको फ़िल्टर कर लिया जाए सिलेक्ट कर लिया जाए और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर दिया जाए और ये आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म्स इंसेमिनेट किए जाते हैं वो वेजाइना या सर्विक्स तक किए जाते हैं अगर उस सीमेंट को यूट्रस तक डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसैमिनेशन आई यू आई आई यू आई बी इज़ ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें इंसेमिनेशन हम कर रहे हैं यूट्रस तक क्लियर तो तीन टर्म टेक्निकल अभी तक हमें मिल गए जी आई एफ टी ए आई और आई यू आई अब हमने या तो इसको करेक्ट कर लिया या इस प्रोसेस को करेक्ट कर लिया तो जो फर्टिलाइजेशन हो रही है इन दोनों केस में वो अपनी नेचुरल जगह हो रही है यानी कहाँ हो रही है फेलोपियन ट्यूब में हो रही है ऐसी फर्टिलाइजेशन को जो अपने नॉर्मल जगह पे हो रही है उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन इन वीवो का मतलब होता है विद इन लाइव बॉडी लाइव बॉडी के अंदर हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन अब मान लीजिए कि ये दोनों प्रोसेस तो पहले से नॉर्मल थे और फर्टिलाइजेशन भी नॉर्मल हो गई लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है यूट्रस में है जिसकी वजह से फर्दर इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट फीटस का नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे इन वो वो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें किसी और फीमेल की हेल्प लेनी पड़ेगी इस प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी और ऐसी फ़ीमेल जिसकी हेल्प ली जाएगी उसे बोलते हैं सरोगेट मदर सरोगेसी दो टाइप की होती है जेस्टेशनल या नेचुरल जेस्टेशनल सरोगेसी उसे बोलते हैं जिसमें जो अदर फीमेल है सरोगेट मदर है सिर्फ जेस्टेशन पीरियड में इन्वॉल्व हो रही है उसके पहले के प्रोसेस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन कई बार अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो नेचुरल सरोगेसी भी करवाते हैं यानी कि उस सेकंड फीमेल का ही ओवम भी यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सुपम्स उसके अंदर इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं क्लियर यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सरोगेसी के भी बड़े सख्त कानून बने हुए हैं ताकि कोई एक्सप्लॉटेशन नहीं हो पाए कमर्शलिज़म नहीं हो पाए एक तो फॉरनर्स इसमें बिल्कुल बैन है आउटसाइड इंडिया के जो कपल हैं वो इंडिया में इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते सेकेंडली कमर्शियल सरोगेसी इज़ कम्प्लीटली बैंड कोई पेमेंट नहीं ले सकता इस काम की क्लियर तो अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ प्रॉब्लम है तो जी यूज़ कर लो यहाँ प्रॉब्लम है तो ए आई यू यू यूज़ कर लो और यहाँ प्रॉब्लम है तो सरोगेसी यूज़ कर लो और इन सब केस में फर्टिलाइजेशन अपनी नॉर्मल जगह यानि फ्लोपियन ट्यूब में हो रही है इनसाइड फीमेल तो इसलिए इसको बोला इन वी फर्टिलाइजेशन लेकिन इसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि इन वी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आई वी एफ आई वी एफ जहाँ भी लिखा आए वैसे तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का भी आई बनता है लेकिन आई वी जहाँ भी लिखा आएगा उसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विट्रो क्या होता है विट्रो टर्म लिया है विट्रियस से विट्रियस का मतलब होता है ग्लास लाइक -like, शीशे जैसा क्योंकि लैब में ये शीशे के सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में होती है इसलिए इसको बोला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी लैब में स्पम और ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी अब लैब में फर्टिलाइजेशन होगी तो इसका मतलब है जाइगोट लैब में बनेगा और अब उस जाइगोट को या उससे आगे की स्टेज को यूट्रस तो चाहिए डेवलप होने के लिए क्योंकि ये सब नॉर्मल था उस फीमेल में या सरोगेट मदर में जो हमने यहाँ पढ़ा था इस जाइगोट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है इस टेक्नोलॉजी का नाम है ई टी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी ये दोनों इनकम्बिनेशन यूज़ होती हैं और ये क्योंकि इनकम्बिनेशन यूज़ हो रही हैं इनका कम्बाइंड नाम है कॉमन नेम इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जेनरिक टर्म है क्योंकि कोई टेस्ट ट्यूब में ये काम नहीं होता है ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में कराई जाती है ये ऊसाइट दिखाया हुआ है पेट्री डिश ये स्पर्मेटो ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है लैब में कि फर्टिलाइजेशन हो जाए अगर नॉर्मली ये स्पर्म इस को नहीं कर पा रहे हैं फर्टिलाइज तो एक और लेटेस्ट टेक्निक है जिसे बोलते हैं आई सी एस आई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये है देखिए ये जो साइट था इसमें इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म डाल दिया अंदर ही सारा ही काम खत्म हो गया पहले का सीधा इंजेक्ट कर दिया और अंदर इनके फर्टिलाइजेशन हो गई अब ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है ये कैसे किया जाता है या तो जैगॉट की स्टेज में कर दीजिए अप टू एट ब्लास्टोमियर्स जेड आई एफ टी बोलते हैं इसको जाइगॉट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र क्योंकि अप टू एट ब्लास्टोमियर्स जो मरूला था उसका वो ट्रैक याद करें तो वो विद इन फिलोपियन ट्यूब था उसके बाद वो मोरूला जब मोर देन ऐट ब्लास्टोमियर्स हो गया तो यूटरस में पहुंच जाता है इसलिए जब लैब में मोर देन ऐट ब्लास्टोमियर्स का मोरूला बन गया तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं यूटरस में और इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र ये दो टर्म है जेड आई एफ टी और आई यू टी अप टू एट ब्लास्टोमियर्स जेड आई एफ टी मोर देन ऐट ब्लास्टोमियर्स आई यू टी अप टू एट ब्लास्टोम ईयर इन फिलोपियन ट्यूब मोर देन एट ब्लास्टोम ईयर्स इन यूटरस क्लियर अब इन सबको इकट्ठा देख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज़न इन्हीं में होने हैं जैसे ये आई यू टी है ये आई यू आई है ये जी आई एफ टी है ये जेड आई एफ टी है इन दोनों का कंबाइंड नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ये स्पर्म इंजेक्शन है और ये इन वीवो और ये इन विट्रो इन सारे टर्म्स को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वीडियो लेक्चर सुनते हुए तो कहीं लगेगा हमें कि समझ आ गया लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आपने एक काम ये करना है कि ये सारे टर्म्स अपनी नोटबुक में लिखिए खुले खुले इसको बोलते हैं सप्रे डायग्राम यानी सिस्टेमेटिक मत लिखिए सिस्टमैटिक लिखने से जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमें सब कुछ बड़ा आसान लगता है इनको रैंडम लिखिए अलग अलग डायरेक्शन में पेज की लिखिए और फिर सिंगल सिंगल वर्ड को उठाइए अभी तक हमने ऑर्गन से और इस कंडीशन तक या इस टेक्नोलॉजी तक हम पहुँचे हैं अब आप इस टेक्नोलॉजी को पहले पकड़िए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि ये टेक्नोलॉजी किस कंडीशन में यूज़ की जाती है नेक्स्ट एन में बताती है कि इतनी सारी हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन है और इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके जो कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं वो अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं उससे बेटर ये है कि अपनी कंट्री में बहुत औरफंड और डेस्टीट्यूट चिल्ड्रन हैं उनको लीगली एडोप्ट किया जाए औरफंड होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है डेस्टीट्यूट चिल्ड्रन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स का अता पता नहीं है छोड़ दिए गए हैं और अनाथ आश्रम में या सड़कों पर रह रहे हैं पता ही नहीं है उनके माँ बाप कौन है तो ऐसे कपल जिनके अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनको लीगली एडोप्ट कर लेने चाहिए औरफंड या डेस्टीट्यूट चिल्ड्रन सो so, आगे अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो नीट में आपको हेल्प करेंगे थैंक यू